आजकल हमारे प्यारे कुकी को काफी हेट मिल रही है, हर कोई उनके पीछे ही पड़ गया है। पहले उनको लेकर वो स्मोकिंग वीडियो वायरल होना, उसके बाद अब उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड की फेक वीडियोस वायरल होना, ये सब कुछ जंको को काफी ज्यादा हार्ड टाइम दे रहा होगा। और इसी के बीच में स्टेशन हेड यानी स्पॉटिफाई के प्रीमियम पर जंकुक लाइव आए थे, जहां पर उन्होंने इन हेटर्स और ऐसे लोगों के लिए अच्छे अच्छे जवाब दिए और उन्होंने आर्मीज को एक अश्योरेंस भी दी कि वो हमारे साथ हमेशा रहने वाले हैं। तो सब कुछ जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो आर्मीज, अगर आप रोने वाले हो क्योंकि रोगे ही जंकुक ने इतना इमोशनल मैसेज दिया है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही अपने नैपकिन्स और टिश्यूज ले आओ, क्योंकि कल रात को जब जंकुक लाइव आए थे तो उन्होंने अपना दिल खोलकर आर्मीज से प्यार भरी बातें करी और आर्मीज के सामने एक्सप्रेस किया कि ये सब हेट के बारे में उनको कैसा लग रहा है। तो बेसिकली कल रात को जब जंकुक लाइव आए थे तो उन्होंने इस मैटर को लेकर भी बात करी। हालांकि हाँ, जंकुक ने डायरेक्टली तो इस मैटर को लेकर कुछ भी नहीं बोला, बट उन्होंने काफी सारी और बातें बताई जिससे पता चलता है कि वो इन सब चीजों को लेकर क्या सोचते हैं। तो जब आर्मीज जंकुक से काफी सारी बातें कर रही थी अपने लाइफ में, जैसे कि जंकुक का बर्थडे कब होता है, मतलब किस समय वो बॉर्न हुए थे, या फिर और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो फिर एक आर्मी ने जंकुक से पूछा कि वो आर्मीज के बारे में क्या सोचते हैं। तो जंकुक ने बताया कि अगर आर्मीज को रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या वर्ड यूज करे, उनके लिए आर्मीज एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो उनको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद अचानक से शायद किसी आर्मी ने लिखा कि वो बाकी ग्रुप्स को भी ट्राई करना चाहते हैं, मतलब BTS के सिवा जो और K-pop ग्रुप्स हैं उनके भी फैन बनना चाहते हैं। तो जंकुक को शायद ये काफी इमोशनल लगा। तो जंकुक ने जब उस कमेंट को पढ़ा तो जंकुक बोले कि हाँ, ये तुम्हारा फ्रीडम है और मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। जंकुक ने यह भी लिखा कि मैं सिर्फ उनके लिए ही काम करता हूँ जो मुझे सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा अगर कोई मुझे छोड़कर चले जाए, मतलब आर्मीज किसी और ग्रुप को भी सपोर्ट करे तो। फिर जंकुक ने बोला कि इवन इफ जब लोग यहाँ पर यानी उनके लाइव में या फिर कहीं पर भी उनको लेकर बुरे या हेटफुल कमेंट्स लिखते हैं, तो जंकुक उसके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, क्योंकि जंकुक का मानना है कि अगर किसी ने बुरा कमेंट भी लिखा तो उसने टाइम निकाला उसके लिए, जंकुक के लिए, तो जंकुक उसके लिए थैंकफुल ही रहते हैं। हालांकि जंकुक ने बताया कि ऑफ कोर्स वो उन्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि जो भी लोग जंकुक के बारे में बुरा लिखते हैं जंकुक उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनसे प्यार करते हैं, इसीलिए वो काम करेंगे और अच्छे से आर्मीज के लिए सब चीजें करेंगे। जंकुक ने ये भी बताया कि उनका मानना है कि जब तक उनके जो घुटने हैं वो जवाब नहीं दे जाते, मतलब कि वो एकदम खड़े भी ना हो पाए, डांस भी ना कर पाए, जब तक उनकी आवाज निकलनी बंद ना हो जाए, तब तक वो सब कुछ करते रहेंगे जो आर्मीज को अच्छा लगता है, क्योंकि आर्मीज से उन्हें हिम्मत मिलती है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही इमोशनल मैसेज था। उसके बाद एक आर्मी ने बहुत प्यारा मैसेज भी लिखा था जंकुक के लिए। तो इस तरीके से जंकुक ने इनडायरेक्टली उन सभी हेटर्स को जवाब दिया और जंकुक ने ये बताया कि वो सिर्फ उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो उनसे प्यार करते हैं, यानी इस टफ टाइम में जो भी लोग जंकुक की वीडियोस वायरल कर रहे हैं उनको हेट कर रहे हैं, जंकुक को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता और ऐसे लोगों को जंकुक पसंद भी नहीं करते हैं। तो आर्मीज, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताओ कि जंकुक का ये रिप्लाई इस हेटिंग कमेंट्स और इन सब चीजों पर आपको कैसा लगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।